वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और कैसे हैं, आई होप सब अच्छे होंगे। शुरुआत एक नए दिन की, और हम आपको काफ़ी समय से बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मौसम में कोई चेंजिंग नहीं है। तो भाई अब मौसम में थोड़ा बहुत चेंजिंग आ गई है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, 19-20 का। हाँ ये है कि रात में तो अब एसी वगैरह नहीं चल रहे हैं, दिन में फिर भी चल रहे हैं। दिन में बहुत गर्मी पड़ रही है, रात में अब थोड़ा सा कम हो गया है एसी वगैरह, और दोपहर में तो अभी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी भी दोपहर में। और अब आपको दिखाते हैं कि मार्केट्स वगैरह में क्या हो रहा है। मार्केट्स में भी देखो अभी क्या है कि फेस्टिवल सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का भी रहता है। जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमें जल्दी आना भी पड़ता है और हमको लेट जाना भी पड़ता है, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है, सीज़न का थोड़ा सा टाइम है, तो इस मारे हमको मार्केट में टाइम भी ज़्यादा ही स्पेंड करना पड़ रहा है, और घर से भी जल्दी ही निकलना पड़ता है, क्योंकि हमें अभी यही हमारा टाइम है। आगे तो काफ़ी खाली ही बैठना है हमें, क्योंकि कुछ टाइम वगैरह नहीं रहेगा हमारे पास में, और काम वगैरह भी नहीं रहेगा क्योंकि दिवाली आ रही है। तो चलिए अपने ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं और आगे अपनी मार्केट स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, ये वाला हमने सैलून कर लिया है, और ये दिलशाद कॉलोनी में सैलून पड़ता है, और इनके यहाँ पर भी हम काफ़ी टाइम से जा रहे हैं, और अपना नेक्स्ट सैलून की साइड चल हो चुका है। यहाँ से भी हमने अपने ऑर्डर वगैरह जो भी है कलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे सैलून्स में जो जो यूज़ होता है उसका भी सामान मिलता है, जो होल सेलिंग में जो सैलून्स वगैरह में यूज़ होता है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, सारे ही ब्रांड्स हैं जो भी यहाँ पे मिलते हैं, और ऐसी झालरें वगैरह लगी हुई हैं पूरी मार्केट में। और इस मार्केट में फिर अलग ही रौनक आती है शाम के टाइम में, जब पब्लिक आती है मार्केट में शॉपिंग करने, कुछ भी सामान वगैरह लेने, तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ भाई अब दिवाली है तो ये वाला फेस्टिवल आने वाला है। बाज़ार में फेस्टिवल की बहुत ज़्यादा रौनक है या कुछ भी है, और मज़ा आता है। दिवाली आते तो लोगों को भी लगता है कि हम ये सारी चीज़ें खरीदेंगे, ये सामान खरीदेंगे, ये सामान खरीदेंगे, और बाज़ार में आते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा, ऑनलाइन का अलग मज़ा है। ऑनलाइन में आप प्रोडक्ट को फील वगैरह करके नहीं देख सकते हो, बट मार्केट्स में रहते हो तो आप उसको एक फील करके भी देख सकते हो। सारा डेकोरेशन वगैरह हो रहा है, बना कर दी है, और लंच हमारा हो गया है, इसको खाते हैं फिर चलते हैं हम पार्क में, थोड़ा सा वॉक कर कर आते हैं, क्योंकि हम जो मार्केट करते हैं वो करते हैं स्कूटी पे। और गाइस मुझे बताना ये क्या चीज़ का बीज है या पौधा है, मुझे नहीं पता, और मुझे कमेंट्स करके बताना ये किस चीज़ का है। भाई पता ही नहीं चल रहा है किस चीज़ का है, उसके पत्ते तो गाइस बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किस चीज़ का पौधा है। आप लोगों को पता तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने ये वाला सैलून भी कर लिया है, और अभी बज चुके हैं शाम के करीब 4:30। सूरज बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं, धूप कम नहीं हुई है, और चलते हैं अपने नेक्स्ट सैलून के लिए। उससे पहले थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं। शाम के टाइम जी इस तरह से कुछ रौनक और कुछ भीड़ भाड़ हो रही है मार्केट में। और ये भैया ने लिपस्टिक्स, इयररिंग्स वगैरह लगा रखे हैं, ये देखिए जी कितने सुंदर सुंदर इयररिंग्स हैं। चलिए जी, लास्ट हमने ये वाला सैलून कर दिया है, और अब चलते हैं हम घर के लिए। पहुंच चुके हैं, और हमने आपको दिखाया था कि आज हमने पूरे दिन क्या क्या किया, और कैसे कैसे मार्केट में रौनक भी रही थी। मार्केट में दिन में बहुत गर्मी थी, वैसे सुबह शाम में तो मौसम बहुत चेंज हो चुका है, और अभी करीब 7:45 हो चुके हैं, और देखिए मार्केट में भी काफ़ी टाइम अंधेरा हो चुका है। और अब चलते हैं घर के लिए। ब्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं टीना चौहान मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।